तात वीर सावरकर का नाम जोड़कर भी नहीं देखा जा सकता है, उनको सूट भी नहीं करता है। यदि राहुल के लिए कोई नाम सूट करता है वो है राहुल जिन्ना, क्योंकि जिस प्रकार देश को देश में सांप्रदायिक राजनीति करने की और तुष्टीकरण की राजनीति जो जिन्ना ने किया है, मोहम्मद अली जिन्ना उनके वारिस के रूप में, उनके वंशज के रूप में ऐसे ऐसे ही पॉलिसीज़ अपनाने वाले राहुल के लिए और उनके पूरे खानदान के लिए ये राहुल जिन्ना ज़्यादा सूट करता है, न कि राहुल सावरकर। राहुल गांधी भी सूट नहीं करता है, इनको राहुल जिन्ना कहेंगे हम। राहुल गांधी इज़ पॉसिबली थिंकिंग दैट ही इज़ इंसल्टिंग द लेगेसी एंड द ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ वीर सावरकर। इट सर्टनली डज नॉट सूट हिज पर्सनैलिटी और हिज आइडियोलॉजी टू यूज द टाइटल राहुल सावरकर, बट सर्टनली फॉर द काइंड ऑफ अपीजमेंट, मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स दैट राहुल गांधी एंड हिज पार्टी हैव प्लेड ऑल दीज 7 decades, I think the more appropriate title for Rahul would be Rahul Jinnah. And this family should now decide that they would all be called as legatees of Jinnah and not of either Nehru or Gandhi. Rahul Jinnah would be a more appropriate title for the kind of Muslim appeasement politics that Rahul Gandhi and his other Congress leaders have pursued. भारत बचाओ रैली रही है, उसमें सोनिया गांधी से लेके प्रियंका गांधी तक सबने जीडीपी और महंगाई चीज को लेके सवाल उठाए हैं। यह देश बचाओ नहीं, यह कांग्रेस बचाओ रैली थी, और जो झूठ वहां कांग्रेस रैली में पूरे परिवार ने जो बोला है, क्योंकि ये परिवार की आउटिंग ज़्यादा थी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनके बच्चे, ये उनके लिए कोई पिकनिक जैसी थी, और अपनी जो पीड़ा है उसको व्यक्त करने के लिए ये कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया है वो। लेकिन देश की जनता ऐसे झूठ और ऐसे प्रचार की, प्रोपेगेंडा की कोई गंभीरता से नहीं लेती है। महंगाई का दर यदि देखें तो कांग्रेस के सरकार इस देश में जहाँ जहाँ जब जब कांग्रेस सरकारें बनी केंद्र में, वो इंदिरा गांधी के सरकार, मनमोहन सिंह के सरकार, राहुल गांधी के सरकार, सब के सब डबल डिजिट इन्फ्लेशन दिए हैं इस देश को। इंदिरा गांधी के टाइम में तो 30% इन्फ्लेशन एक साल में, 25%, 30%, मतलब गरीब हटाओ के नाम पर झूठे दावे करने वाले कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक और नेहरू से लेकर अब तक, ये सारे कांग्रेस सरकार महंगाई के लिए जाने जाते हैं। और हमारे सरकार में, माननीय मोदी जी के सरकार में और 5 साल वाली अटल जी के सरकार में महंगाई का दर 5% से कम था, जो मैं मानता हूँ इस देश में, आज़ाद भारत में रिकॉर्ड है। और कांग्रेस केवल महंगाई देती है, गरीब को और ज़्यादा गरीब बनाती है। The lies of the family at the rally today, it needs to be exposed. It is not a Desh Bachao rally. It is actually a Congress Bachao rally. And no one can save this Congress party, which has been uttering lies and indulging in propaganda over the last 5 years. On inflation, the Congress governments in this country have always proved to be extremely hurtful to the poor people of this country. In Indira Gandhi's tenure, P.V. Narasimha Rao's tenure, Manmohan Singh's tenure, and Rajiv Gandhi's tenure, India experienced double-digit inflation. And under Modi ji and under Atal ji, India experienced the lowest inflation levels ever. So there are no takers for the lies of Rahul Gandhi and his mother Sonia Gandhi. During Indira Gandhi's rule, India experienced inflation rates of over 30%. So I think they should stop telling lies. People of the country are smart to understand that this government under Prime Minister Modi ji is pro-poor, pro-middle class, and controlled inflation and ensured good growth.